काजू बादाम को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। सेहतमंद रहने के लिए डॉक्टर्स भी रोजाना काजू बादाम खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होते हैं। लेकिन महंगे होने की वजह से लोग इन्हें खाने से परहेज करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोरोना काल में काजू और बादाम की कीमतों में तेज गिरावट आई है। कोरोना काल में काजू और बादाम की मांग में गिरावट की वजह से इनकी कीमत गिर गई है। जनवरी में जो काजू 800 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, वो अक्टूबर में घटकर 650 रुपए के करीब है। बादाम भी जनवरी में 700 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, जो अक्टूबर में 590 रुपए पर आ गई है। इसी तरह किशमिश की कीमत भी 240 रुपए प्रति किलो से घटकर 220 रुपए हो गई है। छुआरा भी जनवरी के 300 रुपए प्रति किलो से घटकर अक्टूबर में 280 रुपए पर आ चुका है। अखरोट जनवरी में 850 रुपए के करीब बिक रहा था, जो अक्टूबर में घटकर 600 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। पिस्ता भी 1400 रुपए प्रति किलो से गिरकर 1100 रुपए पर आ गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि सूखे मेवों की कीमत में 30 से 40 फीसदी तक की गिरावट आई है। आगे भी माना जा रहा है कि कम डिमांड और नए माल की आवक को देखते हुए कीमतों में 10 से 20 फीसदी की गिरावट आ सकती है। सूखे मेवों की कीमतों में गिरावट की कई बड़ी वजह है। मसलन, शादी विवाह में मेहमानों की तय लिमिट, रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री पर कोरोना की मार, लॉकडाउन की वजह से पुराना स्टॉक न बिकना, कमाई कम होने की वजह से घरेलू डिमांड में कमी, इन सभी वजहों से इस वक्त सूखे मेवों की डिमांड गिरी हुई है। कारोबारी पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए माल को औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। हालांकि आम आदमी के लिए ये अच्छी खबर है। ऐसे में आप सस्ते काजू और बादाम खाकर अपनी सेहत बना सकते हैं। दिवाली सिर पर है, तो इस बार अपने सगे संबंधियों को मिठाई की बजाय सूखे मेवे गिफ्ट में दे सकते हैं। ये आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेंगे।